दोस्तों ओनली गुड फूड एंड गुड ड्रिंक्स इस चैनल में आपको कम से कम 75 दिन तक तो अच्छी अच्छी चीज ही मिलेगी आपको। सो ये है ऑरेंज जूस जो मैं आधा पी चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये है थोड़ी सी सोयाबीन बड़ी एंड आलू की सब्जी जो घर में बनी हुई थी। इसको खाऊंगा एंड 2 से 3 काम करने हैं मेरे को, वो करूंगा फिर उसके बाद जाऊंगा वर्कआउट करने के लिए। मम्मी ने कहीं ना कहीं बोला कि तू अपनी बॉडी का तो पूरा ख्याल करता है, घर में मम्मी ही देखती है हर चीज की। मैं कितना टाइम कितना टाइम लैपटॉप में स्पेंड करता हूँ, कितना टाइम अपने ऑफिस में स्पेंड करता हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें खराब हो गई है, डेफिनेटली मेरी आंखें खराब नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आंखें खराब भी नहीं हो। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं कि आपकी आंखें सलामत रहे, बढ़िया रहे। ये एक एंटी ग्लेयर मैं चूज करने वाला हूँ, इसमें बहुत सारी वेराइटीज है भैया दिखा रहे हैं। जैसे ये वाला तो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा वाला हो गया, ठीक है। मतलब ये बस वाइट है, वो पूरा ब्लैक था। एंड इसे देखिए जिंदगी मिलेगी बार बार वाला देख, ये वाला देखिए, देखता है नेगेटिव वाला भी अच्छा लग रहा है। वाओ सुपर बेटा लग रहा है, इसमें तो मस्त। 10 से 12 घंटे तक हम काम करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह पे, उसकी लाइट जो पड़ती है ना वो हमारी आंखों पर पड़ती है, हमारी आंखें भी कमजोर करती हैं और नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं वो ज्यादा काम करने से आते हैं। ब्लू कट लेंस जिससे आप 10 से 12 घंटे कंप्यूटर मोबाइल वगैरह लैपटॉप कुछ भी यूज कर सकते हो सिस्टम, तो जो लाइट पड़ेगी ना वो लेंस पे ब्लॉक हो जाएगी, वो आपकी आंखों पे नहीं पड़ेगी, आपकी आंखें एकदम सेफ रहेंगी, ना उस पर नंबर आएगा आंखों पे अगर वो आप लेंस यूज करते हो तो, और एकदम फ्रेश आंखें रहेंगी आप। सो दोस्तों फ्रेम तो आई डोंट नो मैं कौन सा चूज करने वाला हूँ, कभी भी हमेशा जब भी मम्मी साथ रहती है जो मेरे को अच्छा लगता है वो मम्मी को अच्छा नहीं लगता है, जो मम्मी को अच्छा लगता है वो मुझे मजबूरन लेना पड़ता है। अभी जो भैया ने ब्लू कट लेंस के बारे में बताया तो मैं वही वाला लेंस ऑप्ट करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है मेरी एडिटिंग में और मेरे ऑफिस के प्रोफेशन में लैपटॉप और कंप्यूटर का ही सबसे ज्यादा एंगेजमेंट। तो मैं नहीं चाहता कि इस एज में आके अगर मेरी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी है तो ये धीरे धीरे करके खराब होती रहे, राइट। सो यू गॉट टू टेक सम सॉर्ट ऑफ अ प्रिकॉशन। सिर्फ एक अपडेट दे रहा हूँ कि मेरी आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इट जस्ट कि मैं लैपटॉप में बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, सो दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर एक्शन। और ये कहीं ना कहीं सेफ भी है, सिक्योर भी है, क्योंकि भैया ने जैसे कि बताया कि कोई लाइट नहीं पड़ने वाली, राइट। मैंने ये वाला फ्रेम चूज करा है, थोड़ी मैनली वाइब्स भी दे रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको लेता हूँ अगर मैं इसको चूज करता हूँ ये तो थोड़ा ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी आईज कवर नहीं कर रहा है। हाउएवर अगर मैं इसको चूज करता हूँ, अगर मैं ये वाला यूज करता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी जो आईज है ना वो प्रोटेक्ट हो रही है। ये वाला बेस्ट रहेगा मेरे लिए, ये मम्मी की अगेन ये मम्मी की चॉइस थी और कहीं ना कहीं मेरे को सूट ही कर गई। सो यस इसी के ऊपर लेंस लगवाएंगे और तुरंत के तुरंत निकलेंगे यहाँ से। इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तू मेरा राजा बेटा है, इसलिए पढ़ाकू बेटा बेसिकली। स्वागत आप सभी का 75 हार्ट चैलेंज के डे 15 के आउटडोर वर्कआउट में। मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो 65-70% है मेरी ऑल ओवर डाइट में, एंड कार्ब्स और फैट परसेंटेज में बोलूँ तो 30-35% का रेशियो है। सो इस तरीके से मैंने अपनी डाइट डिजाइन करी हुई है, शायद काफी ऑडियंस को ये चीज पता ना हो। आप सभी को पता है कि कार्ब्स से एनर्जी आती है, राइट। अगर मैं ये बोलूँ कि कार्ब्स मैं कम कर रहा हूँ और 2 टाइम वर्कआउट करूँ तो आप यही बोलोगे भाई तेरे पे इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है। सो आपकी जो बॉडी होती है वो आपकी बॉडी के फैट से एनर्जी लेती है। कि एक तो चीज़ हो गई कि कार्ब्स से आपको एनर्जी मिल रही है, राइट। बट अगर आप कार्ब्स कम ले रहे हो और अगर आपका ग्लाइकोजन लेवल बहुत कम हो गया है, देन बॉडी आपके फैट से मतलब बॉडी के फैट से एनर्जी लेती है। सो जब लिटरली ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है तभी आपकी जो बॉडी की चर्बी होती है वो कम हो रही होती है और आपके जो मसल्स है, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं आपके मसल इन्हांस होते रहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली सो नेचुरल प्रोसेस। इस जगह के बारे में मुझे आपको दोबारा बताने की आई गेस जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ से 1 से 2 स्प्रिंट करूंगा। अगेन ये पूरा का पूरा वो जो सामने आप देख रहे हैं, अगर आप इसको सामने देख रहे हैं वो देखिए वहाँ पे वो जो आपको स्ट्रेट्स नज़र आ रही है, राइट, वहाँ तक ये 100 मीटर है, वहाँ से मैं वापस आता हूँ तो ये 200 मीटर हो जाता है। तो स्प्रिंट स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस वेदर लिटरली बहुत अच्छा हो गया, मुझे लिटरली लगा कि नवंबर भी गर्मियों में जाएगा। लिटरली आप अभी भी वर्कआउट शुरू करते हो तो ये बेस्ट है। अब तो एक तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि बहुत गर्मी हो रही है, आलस आ रहा है, पसीना आ रहा है, सुबह जल्दी उठो और निकल जाओ रनिंग के लिए। सो स्प्रिंट करने के बाद कुछ 3 से 4 किलोमीटर जॉगिंग करेंगे। ये वाले जो ट्रैक्स है लोहिया पार्क के बहुत अमेजिंग है, आप देख सकते हैं इतना प्यारा पार्क बना हुआ है, इतना प्यारा बना हुआ है। स्किपिंग करेंगे फटाफट से।
और तुम क्या करते हो यहाँ पे? जॉगिंग करते हैं। पक्का जॉगिंग करते हो? हाँ। फोन पकड़ा हुआ है? हाँ। क्या करते हो? पक्का जॉगिंग करते हो? सुबह सुबह आते हैं। यार कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, तुम इनसे कुछ सीख लो। सुबह सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, जॉगिंग करते हैं। सो तेरा नाम क्या? शोएब। शोएब, सीखो शोएब से कुछ और मुझसे भी। अपनी बॉडी के जितने भी ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर देता हूँ। और एक्चुअली में अभी बहुत ज़्यादा थकान लग रही है और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। सो आप देख सकते हैं, ये है मेरा सेकंड मील। कितना अच्छा हो अगर आप अपनी हर मील में यू नो कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स ऐड करें, कोई ना कोई यू नो जो कार्ब सोर्स है वो एलिमिनेट करके यू नो अगर उसमें आप प्रोटीन सोर्स डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि खाना हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन ऑर्डर टू गो एंड चूज़ अ राइट फूड इज़ अ ब्लेस। ये जो राइस है, राइट, मेरे जो डैड है, मेरे पापा हैं, वो डायबिटिक हैं। सो ये है स्टार्च फ्री राइस। स्टार्च को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मंड, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो स्टार्च है, इसका जो कार्ब परसेंटेज होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये स्पेशली डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। एंड कहीं ना कहीं यू अगेन मिलेगा लेस कार्ब, बट यू नो कैलोरीज तो मिलेगी। तो मुझे कैलोरीज ही चाहिए ताकि मैं सेकेंड राउंड ऑफ वर्कआउट करने जा सकूँ कुछ देर बाद। ये दाल है, ये प्रॉपर जो घर की दाल होती है, एंड अच्छी दाल है जिनको हम स्प्राउट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपको मिलेगा काला चना की दाल, साबुत मूंग और जो लोबिया बोलते हैं या सोयाबीन बोलते हैं वो भी मिलेगा आपको। इसमें थोड़ी सी मम्मी ने, देखो चंक्स भी चेक करो, ये बेसिकली मम्मी ने भिगाए हुए थे, किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, बट मैं बताया था। इसमें आपको देखिए सोयाबीन भी मिलेगा आपको। तो मैंने आपको सुबह थाली दिखाई थी, वो भी फुल ऑफ प्रोटीन थी। और इस थाली में भी मैंने कम से कम दो सोर्स, ये दाल और ये वाला जो स्प्राउट वाला, ये वाला जो स्प्राउट वाला पार्ट है। इस मील से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी मील है उसमें किसी भी तरीके का प्रोटीन इंक्लूड करिए, लाइफ इजी हो जाएगी। जब 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 म्यूजिक बजेगा, जब जब यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा, यू नो स्केलेबिलिटी रहेगी, यहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा सेट्स के बीच में। ऑब्वियसली मतलब अपनी एक्सरसाइज में फोकस करूँगा। बस ये डिस्क्लेमर देना चाह रहा था, कहीं आप सोचो कि बस ये वीडियो छोटी करने के लिए ऐसे ही लगा पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है। चाट की दुकान में गया, चाट की दुकान में खड़े खड़े मेरे को ऐसी बेचैनी हो रही थी ना कि भाई मैं खुद खा जाऊं ये सब, सारी की सारी चीजें खा जाऊं, ठीक है। एंड अभी आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर, देखो यहाँ पे दही सॉर्ट चल रहे हैं और यहाँ पे ये देखो ये वे प्रोटीन चल रहा है यहाँ पे। भाई माफी गाइस, बहुत मुश्किल होता है गाइस, आप नहीं समझोगे गाइस। अरे थोड़ा सा तो ले ले, थोड़ा सा हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ भी नहीं है। ये है गाइस, वाओ वे प्रोटीन। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्त, क्या क्या कहते हैं इनको, कुछ खाना बिल्कुल नहीं मार। 75 हार्ट चैलेंज थोड़ा धैर्य सिखा रहा है, यू नो कंट्रोल सिखा रहा है ऐसी ऐसी चीज़ों में। मुझे फ़ोन से बिल्कुल अलग कर दिया। आज से 16 से 17 साल पहले या 2023-20 साल पहले वाली जो लाइफ हुआ करती थी, जब यू नो धीरू भाई अम्बानी, रिलायंस, एयरटेल वेयरटेल ये कुछ भी नहीं थे, मतलब नॉर्मल सी लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तब की लाइफ बेसिकली मैं जी रहा हूँ। बट एक थोड़ा सा एक डिफरेंस है यहाँ पे, थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि हाँ मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, उस टाइम पे कैमरा नहीं हुआ करते थे। तो इतनी बस एक चीज़ है, मतलब 20 साल पहले की जो लाइफ थी वो मैं जी रहा हूँ, बट अभी मेरे पास कैमरा है और कैमरे में मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये दो चीज़ नहीं है, लाइफ है बहुत पहले की, 20 साल पहले वाली लाइफ जी रहा हूँ। बहुत बिजी बंदा हूँ डेली के, बहुत हसल कर रहा हूँ डेली के डेली, यू नो खान पान से बिल्कुल दूर, सिर्फ काम में फोकस, जो भी अपने काम है, जो भी फ्यूचर गोल्स हैं। तो यस 75 हार्ड चैलेंज बहुत कुछ सिखाता है। अगर इसमें से, अगर इन सारी चीज़ों में से एक छोटी सी चीज़ भी, एक छोटा सा विजन भी आप ले लोगे एंड उसको एज एन 75 हार्ड चैलेंज लेके देखोगे, तो लिटरली आपको यू नो वो वाला विजन अचीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 150 हार्ड चैलेंज,
तो ये छोटी सी मील है जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन हमें मिल रहा है और इसमें से थोड़े हम कार्ब्स लेंगे। इसमें यू नो एक आलू ग्रेट है, ये प्रॉपर जो छोटी सी मील है कार्ब्स एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। सो उम्मीद करता हूँ आपको 75 हार्ड चैलेंज का डे 15 भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया प्लीज गो एंड लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। एंड जय श्री राम, हर हर महादेव।